कांग्रेस ने शनिवार को जलियांवाला बाग के अमर शहीदों को टाउन हॉल स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर अमर शहीदों को नमन किया। प्रदेश प्रवक्ता पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि पुष्पांजलि सभा में उदयपुर लोकसभा सांसद प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने कांग्रेस जन के साथ पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि जलियांवाला बाग भारत की आजादी के इतिहास की वह घटना है, इसके बारे में सोचने पर भी रूह कांप उठती है। 13 अप्रैल 1919 को यह दुखद घटना घटी थी जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्ते मासूमों का कत्लेआम हुआ था। घटना के पूरे 104 साल बीत चुके हैं। हमारी पीढ़ी अपने अमर सेनानियों का देश के लिए बलिदान कभी नहीं भूलेगी। हम सभी को अमर शहीदों से राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा लेकर देश हित में कार्य करते रहना चाहिए। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह, मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण टांग, अनुसूचित प्रकोष्ठ के महामंत्री प्रेम गावरी, अशोक तंबोली, जादूगर एम लाल लक्षकार, बतुल हबीब, गोविंद सक्सेना, उमेश शर्मा और कौशल आमेटा सहित कई लोग मौजूद थे।